नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। मध्य प्रदेश के इंदौर में एरोड्रम इलाके के स्कीम नंबर 155 में सोमवार को बोरे में बंद लाश में प्रारंभिक खुलासा हो गया है। लाश की पहचान गोविंद नगर खारचा में रहने वाले देवेंद्र के रूप में हुई है। देवेंद्र राशन दुकान पर काम करता था। बड़े भाई आत्माराम ने उसकी शिनाख्त की है। भाई ने आरोप लगाया कि देवेंद्र की पत्नी और भांजी विकी ने ही उसकी हत्या की है। आत्माराम ने यह भी बताया कि एक साल पहले देवेंद्र की पत्नी अपने बच्चों को लेकर विकी के साथ रहने चली गई थी। रविवार रात को देवेंद्र वहां बच्चों से मिलने पहुंचा था। इसी दौरान पत्नी से विवाद हुआ। घर में देवेंद्र के साथ मारपीट भी की गई। फिलहाल आत्माराम को एरोड्रम पुलिस बयान के लिए अपने साथ ले गई है। पुलिस पत्नी और भांजे विकी से पूछताछ कर रही है। आत्माराम ने बताया कि वह शिवकंठ नगर में रहता है। उसके भाई देवेंद्र और उसकी पत्नी के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। विकी और उसकी माँ गायत्री हमेशा देवेंद्र की पत्नी के साथ रहा करते थे, वो उसका साथ देते थे। करीब एक साल पहले देवेंद्र की पत्नी विकी के पास आ गई थी। देवेंद्र अपने बेटे और बेटी को पत्नी से अपने पास रखने की बात कह रहा था। जानकारी के मुताबिक जब देवेंद्र की हत्या की गई तो बच्चे भी घर पर ही मौजूद थे। पुलिस पूरे मामले में जल्द से जल्द खुलासा करेगी। एरोड्रम पुलिस के मुताबिक देवेंद्र का शव सोमवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने सफाई के दौरान देखा था, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। उसके बाद इस मामले में जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो देवेंद्र के पैर और हाथ बंधे थे, जबकि गला घोटने के निशान भी थे। भाई था मेरा छोटा भाई, सब कुछ। फिर क्या हुआ कल इनके संग? उनके साथ में दुखद घटना हुई है। नहीं, किन्ने कराई है ये कृत्य? किन्ने कराया की धर्म पत्नी नेहा, हाँ, और इसका भांजा। क्या नाम भांजे का? विक्की। अच्छा, तो ये घर से कब निकले थे? ये परसों से दिन निकला था दोपहर में। अच्छा, क्या कह गए थे? जा रहे हैं, फिर वापिस नहीं आया। फिर आप कैसे सूचना मिली है? यार बाबा, सामने देखो दादा, सामने। सूचना जब मैं थाने पे गया तो इन लोगों ने, काली भैया ने सूचित करा मेरे को। अच्छा, तो तुम्हारे भाई के साथ मैं ऐसा ऐसा हो गया, जब गया उधर जब पता चला। अच्छा, क्या काम करते थे भैया? कंट्रोल पे काम करता था। अच्छा, कितने बच्चे इनके? दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की। तो भांजे संग भाग गए इनकी बीवी? हाँ। कब से कब भागी थी? हो गए हैं इस बात को करीब अलग भर से इनका रिलेशन चल रहा है, अलग रह रहे हैं, जाते हैं आते हैं। अच्छा, अलग रहते हैं। अच्छा, आपका नाम बता दो। आत्माराम है। तुम्हारी बहन का भी नाम बताओ ना। तुम्हारी बहन का भी नाम बताओ। हाँ, साथ में उसकी बहन है, लड़के की माँ बिक्की की। आप कहाँ रहते हो? मैं शिवकंठ नगर रहता हूँ।